Assalamualaikum, मैं हूं जान रामपुर, आप देख रहे हैं जान रामपुर YouTube चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आ गया हूं वापस घर तकरीबन 8 दिन की शूट करके पागल खाना की, और आया हूं तो किचन गार्डन देखा और बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा है, ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ है और कुछ चीजें तैयार हैं जिनको मैं काटने लगा हूं, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूं क्योंकि आप बहुत फरमाइश करते हैं कि किचन गार्डन की वीडियो जरूर लगाया करें। इस्लामाबाद और पिंडी में जबरदस्त धूप निकली हुई थी, यहाँ फिर बादल ही बादल है, धूप नजर ही नहीं आती। खैर आइए जी, जरा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मैं उधर जा रहा हूँ सामने, ये देखें ब्रोकली बिल्कुल तैयार है, मुझे अब इसको काटना है। अगर अब नहीं काटूंगा तो ये पक जाएगी, ये बहुत ही अजीब सी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये देखें जी, जाते हुए मैंने देखी थी इतनी इतनी थी, 8 दिन में ये माशाल्लाह हो गई है। इसको मैं 2 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, ये देखें जी, आहा, ये तो काफ़ी सारी है, बड़े बड़े मैं सारे निकाल लेता हूँ। ये बड़े बड़े मैं निकाल लेता हूँ सारे, कुछ छोड़ देता हूँ 2-4 दिन के बाद। लेकिन जब इनके ऊपर ये दाना बनना शुरू हो जाए ना, फिर कुछ नहीं, फिर ये ख़त्म हो जाता है। पाव 1.5 पाव है। अच्छा जी, उसके बाद हम निकालते हैं लाल मूली, ये देखें लाल मूली, देखें जी इसमें लंबी नहीं लगाई थी इसने, हैं? ये देखें जी, ये देखें कितनी, इसको अलग करते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी है। अच्छा जी, ये वाली सफ़ेद मूली है जी, इसको देखते, ये देखें, ये देखें जी, ये रेडी है, ये बड़ी मीठी है, मैंने देखी है खा के जाने से पहले। लेकिन ये इतनी मोटी क्यों नहीं हुई अभी तक? अच्छा देर है जी, ये हमें निकालते हैं, हम इनमें अभी टाइम है। अच्छा ये है जी सैलरी, ये सैलरी है, ये बड़ी कमाल चीज़ है, इसको मैं अभी तोड़ूंगा नहीं। मुर्गा साहब भी फ्रेश सैलेड खा रहे हैं इस वक्त, एंजॉय कर रहे हैं, लो। चलो हटो, अब मुझे तोड़ने दो, हटो। ये देखें जी, फ्लैश सैलेड मुर्गे एंजॉय कर रहे थे, मुर्गा साहब और मुर्गी, ओ उड़ के गई। अच्छा जी ये देखें, ये कितने फ्रेश हैं, ये थोड़े से तोड़ लेते हैं। ये है जी ब्राउन सैलेड पत्ता, ये अभी नहीं तोड़ूंगा मैं, और ये धनिया है जो पक गया है, ये अब इसके बीज बन रहे हैं। ये आगे पुदीना है क्योंकि वो अभी ज़रा सर्दी है तो इतना अपना आप दिखा नहीं रहा, छोटे छोटे हैं। थोड़ा सा ये मुर्गियां भी ना इनको खा रही हैं। और मुझे दिखाएं जी, मैं आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें ज़रा। अच्छा जी टमाटर ये तैयार हो रहे हैं जी, ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ धूप कम पड़ती है, ये छोटे हैं सब, एक साइज़ के लगे थे, इधर धूप थोड़ी ज़्यादा होती है, इधर ज़्यादा होती है, ये जैसे जैसे, और यहाँ ज़्यादा देर धूप रहती है। और ये पौधा देखें, धूप की वजह से ये वाले कोने वाले 2 ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और ये बाकी जो हैं जिनको धूप कम लगती है वो छोटे रह गए हैं। तो पौधों को धूप भी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। ये आ गया जी, इस पे फूल लग गए हैं, लेकिन इस पे ये एक बीमारी होती है, ये तेला, उसे बताओ यार तेला लग गया है, सुबह आएगा ना, इस पे हल्का सा स्प्रे करना ही पड़ता है मजबूरन, ये काले काले नज़र आ रहे हैं ना, इसको तेला कहते हैं, ये ख़राब कर देता है। अच्छा जी टमाटर मुझे लगता है कि ये गोल वाले हैं, इस पौधे ने पहले दे दिया फूल और टमाटर, तो ये माशाल्लाह फ्रेश है, ये बहुत हेल्दी है ये वाला पौधा।
एलोवेरा, ये मैडम साहिबा जो हैं जी, बेगम साहिबा, ये बहुत यूज़ करती हैं, बालों में लगाती हैं, स्किन पे लगाती हैं, और मैं कभी कभी खा भी लेता हूँ। अच्छा जी, और क्या है, और क्या है? हाँ, देसी लहसुन ये लगा हुआ है जी, ये रहा जी देसी लहसुन, ये वाला, ये इसकी, ये इसमें अभी बड़ा टाइम है। मेरी दो मुर्गियाँ बीमार हो गई थी, उनको मैंने अलग कर दिया था, एक बेचारी एक्सपायर हो गई थी, एक मुर्गा एक मुर्गी बच गए हैं। ये रहे जी मेरे तोते, एक ये है लव बर्ड, ये नीचे जो बजरी कहते हैं इनको, बजरी तोते, ये हैं तीन जोड़े, थोड़े कम कर दिए हैं। एक ये है कॉकरटेल का, एक ये पेयर है, और एक ये है, इसकी फीमेल बैठी हुई है डब्बे में, इन्होंने अंडे दे दिए हैं, तो अब इनका भी सीज़न है। क्या रहा है, बड़ी है? नहीं बड़ी तो नहीं, उतनी ही है, अच्छा ये ज़रा मोटी है। हाँ, इसको अभी अहम रह ले 10-15 दिन मूलियाँ, लेकिन मीठी हैं, मैं खा के गया था, मोटी नहीं हुई अभी, मीठी हैं। अच्छा ये था जी किचन गार्डन, और अब ये बताएं कि आपको पिछली वीडियो कैसी लगी, उसमें बड़ा हल्ला गुल्ला था, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पागल खाना कैसा लगा, और मैसेज करके बताइएगा। और माशाल्लाह कास्ट सारी बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान के, बहुत बड़े बड़े नाम उस प्ले में हैं। ओहो हो, लाहौर में इतना नीला आसमां, अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप, इस्लामाबाद की धूप बड़ी मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सितंबर से लाहौर में धूप नाम की कोई चीज़ नहीं निकली, बहुत कम कभी कभी। तो खैर चलें जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो, और अभी मैं ये सैलड जो है इसको अभी काट के फ्रेश खाता हूँ, नहीं नहीं अभी तो नहीं खाऊँगा, क्योंकि रात शबरात की थी, आज बहुत सारे लोगों का रोज़ा भी है, तो मैंने भी रखा है, अल्लाह पाक कबूल करे, तो अफ्तारी में मैं फिर ये ज़रा ब्रोकली उबाल लेता हूँ, और ये हैवी हो जाएगा अफ्तारी में मूली, और ये तो नहीं खाऊँगा, ब्रोकली को ज़रा मैं स्टीम कर लेता हूँ, और सैलड बनाता हूँ अच्छा सा कोई, और अफ्तारी करते हैं। और आपने भी जिस जिसने रोज़ा रखा है, और अल्लाह कबूल करे, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।